गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी मतलब हमारे पास में कोई भी दो चार्ज है, मान लो फर्स्ट चार्ज इज स्मॉल क्यू एंड सेकंड चार्ज इज स्मॉल क्यू नॉट। ठीक है, अगर क्यू नॉट चार्ज इन्फिनिटी पे रखा गया है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो किया गया वर्क डन है, तो इसको हम स्मॉल क्यू नॉट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से लाना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसको लाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए जब मैं फोर्स अट्रैक्ट करूंगा तो वो क्या करेगा, सेम चार्ज होने के कारण रिपेल करेगा। ठीक है, तो रिपेल करने पर यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का कंजप्शन होगा, तो वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी में हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास में क्यू नॉट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाने में जो वर्क डन कर रहा हूँ, तो उसमें जो एनर्जी हमें लग रही है वो किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम क्या लिखेंगे, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ सर्टन चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अनोदर चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए कॉन्स्टेंट काइनेटिक एनर्जी इट इज रिप्रेजेंट बाई यू। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इट्स ऐसा यूनिट इज जूल एंड इट्स अनोदर यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट आवर। इसकी जो ऐसा यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है, और इसकी अदर यूनिट जो होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किलोवाट आवर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द वर्क डन रिक्वायर्ड टू कीप टू चार्जेस अप टू सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, ये चार्ज हमारे पास में क्यू नॉट जो है वो हमने इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपेल होगा। तो यहाँ पर हम कूलम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लाने पर, ठीक है, तो यहाँ पर इस सिस्टम पर क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी का सिस्टम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट प्लेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ यू इज इक्वल टू क्यू इन टू वी, मतलब चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो U इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो U जो U किसके इक्वल है, W के इक्वल होगा, क्योंकि जो भी पोटेंशियल वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो U इज इक्वल टू W। नाउ U इज इक्वल टू, मैं चार्ज को इन्फिनिटी से R तक लेके जा रहा हूँ और उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है नेगेटिव, माइनस एफ डॉट डी आर। ठीक है, U इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R, यहाँ पर कूलम्स लॉ लगा रहा हूँ मैं, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। नाउ यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट इन्फिनिटी टू R वन अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर। नाउ यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट ब्रैकेट में माइनस वन अपॉन R इन्फिनिटी टू R। दोनों को मैंने जब मल्टीप्लाई किया था, यू इज इक्वल टू प्लस के क्यू क्यू नॉट अपॉन वन अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है, वन अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो यहाँ पर यू इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू इज इक्वल टू क्यू नॉट के क्यू अपॉन आर, और आप लोग सब जानते हैं कि के क्यू अपॉन आर की जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की होती है। नाउ यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू वी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, यू इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। नाउ यू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, अगर सेवरल चार्ज होकर हो क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री, तो क्यू वन क्यू टू क्यू टू क्यू थ्री, इस तरह से हम पेयर बना के भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, K की वैल्यू हम रखेंगे तो Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नाउ एप्सिलॉन नॉट की जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए एप्सिलॉन। नाउ U मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन R, और आप लोग सब जानते हैं कि एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। नाउ U मीडियम इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू आर। इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेट करेंगे।